हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट्स रोड्स एंड स्टोरीज। आज हम लखनऊ से निकल कर जा रहे हैं कामाख्या देवी के मंदिर। कामाख्या देवी जो है वो आसाम वाली नहीं, कामाख्या देवी यूपी वाली। ये कहाँ पे है? ये है गोमती नदी के बिल्कुल तट पर बना हुआ और अयोध्या और अमेठी के बिल्कुल बॉर्डर पे। इधर से अयोध्या, उधर से अमेठी, उसके बॉर्डर में गोमती नदी के तट पर है। चलती है वहाँ, देखते हैं वो कैसा मंदिर है, वहाँ की क्या आस्था है और क्या उसकी कथा है, जानते हैं। जुड़े रहिए हमारे साथ रोड्स एंड स्टोरीज। अरे तो बंद किए थे आपको, हमें लगा शायद नहीं होगा। बहुत ही सुंदर मंदिर है। ये है राजा सूरत समाधि, वैद्य समाधि, जो आपने दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में पढ़ा है वही है ये। हाँ बताएं। ये जो दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में जी राजा सूरत और समाधि वैश्य जी जी का वर्णन आया है, मेधा ऋषि ने इनको उपदेश दिया था, ये वही समाधि वैश्य हैं। इनको जब माता जी प्रसन्न हुई, इन लोगों से कहा कि पुत्र वर मांगो, तो राजा सूरथ ने अपनी खोई हुई संपत्ति वापस मांगी जी, उनको वही मिला। इनके पास माता जी पूछने लगी, इन्होंने कहा माता जी अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, हमको आप अपनी ही शरण में रखें। तब इनको माता जी ने अक्षय वर दे दिया। अच्छा, तब से ये यहीं स्थापित हो गए माता जी के ठीक बगल में। ये इनको अक्षय वर दे दिया जिसका क्षय ना हो, इसलिए आज इनका नाम अक्षय वर के नाम से ये प्रसिद्ध है, अक्षयवर नाथ कहे जाते हैं। ओके, चलिए बहुत अच्छी। आपने अगर दुर्गा सप्तशती नहीं पढ़ी है तो जरूर पढ़ी है, और उसमें इनका जिक्र किया गया है, उसको जानिए। हाँ। बिता गए हम लोग यहाँ, ये मान लीजिए यही के पुश्तैनी निवासी समझो, दादा बाबा की यही बीत गई, हमारी भी बीत। अच्छा, तो ये जिला को अयोध्या लगता है, सुल्तानपुर लगता है? अयोध्या लगता है। तो यहाँ से इधर अमेठी लगता है। हाँ, अमेठी से तो पार कर गया गंगा, सॉरी गोमती, उस पार अमेठी है, इधर की ओर अयोध्या लग गया। तो मतलब इस मंदिर के आप कब से पूजा, आप कब से यहाँ पे हैं? हम तो जब से पैदा हुए तब से यही। अरे हाँ भाई, मैंने भी इस मंदिर के बारे में बहुत सुना। हम स्पेशली लखनऊ से इसी मंदिर के दर्शन करने के लिए आए जी, जी, जी। और फिर यहाँ से भी वो है ना, आश्रम भी है मेधा मुनि का, यहाँ की पूजा हमारे पूर्वज लोग करते थे। उसके बाद जो बीता वो बीता, जो पैदा हुआ वो करने लगा, जो वो भी बीत गया जो पैदा हुआ वो करने लगा। हाँ, तो दादा के ऊपर क्या था उसके पहले का तो मालूम ही नहीं होता आदमी को, मालूम ही नहीं कि कब से हम यहाँ पूजा कर रहे हैं जी। लेकिन सब लोग करते आए, हम भी कर रहे हैं, और बहुत बड़ा परिवार है हमारा लोगों जी, का जी। आपस में सब दिन मतलब बांट लिया होगा उस हिसाब से। चलिए बहुत बढ़िया। और इन देवी का खुद का प्राकट्य है, कोई मतलब वो किसी की लाई हुई या स्थापित की हुई नहीं है? यही स्थान है, यहाँ पे उनको उपदेश दिया तभी से वो यहाँ स्थापित हो गई। यहाँ पे पिंडी रूप में है माता जी, यहाँ पे पिंडी रूप में है, यही स्थान है माता जी का। अच्छा, यहाँ पर जी 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 कुछ पाप कर्म होंगे वो माता जी तुरंत तुरंत हमको वो दे दिया। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब उसने काट लिया, यही काम है भाई। हाँ, माता जी ने के दरबार में वो काट लिया, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत काम हो गया होगा, तो उन्होंने सजा दे दी। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये छोटा सा मंदिर जो कि बहुत पुराना है, बहुत ही प्राचीन है और यहाँ की मान्यता बहुत है, ये आपको यहाँ आकर कैसा लगा? और साथ में मैं ये भी बताना चाहूँगा, अगर आप ऑड सीजन में नहीं आते हैं, जैसे हम अभी आए थे तो एक दिन पहले ही बारिश हुई थी, तो हम मेघा मुनि के आश्रम में नहीं जा सके क्योंकि वहाँ पर ट्रैक करके जाना पड़ता है, या आप किसी टू व्हीलर से जा सकते हैं, तो उस वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए। नेक्स्ट टाइम कोशिश करेंगे, कभी ठंड में या और किसी और मतलब फेवरेबल सीज़न में आएंगे तो वहाँ ज़रूर जाएंगे और वहाँ के आश्रम को भी देखेंगे।
तो मेरे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, और अगर आपने अभी भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। इससे क्या होता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हम नई नई जगहों पर आपको जाकर वहाँ के बारे में बताते हैं। चलिए जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू।